जी को तो मजा आ रहा है, ये हो रहा है तो मोदी जी को तो मजा आ रहा है। 85 साल की उम्र में वो एसीओ में मजे ले रहे हैं, हैं? यहाँ पे हमारी ऐसी तैसी हो रही है, वो 70 साल विकास 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 करने में लगे पड़े। काय का विकास, कैसा विकास? गरीब का तो दिल फुकारा है मोदी का। हम अपना फूल बेचते हैं, यहाँ कमाते हैं खाते हैं, पर जब से नोटबंदी हुई है 2 साल हो गए, मेरा रिश्ता टूट गया है। सबसे बड़ी परेशानी है, और 2 साल से अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, क्यों? पैसा नहीं है। विकास ही विकास हो रहा है जी मैडम, यहाँ पे सारे भूखे मर रहे हैं, तो काम ही धंधे खत्म हो गए सारे यहाँ तो। गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, ये सब गलत है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, काला धन। 10,000 का चालान, 15,000 का चालान, एक ऑटो वाला 300-400 रुपए कमाता है, वो 15,000 का चालान कहाँ से भरेगा? नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं सरिता कुमार और आप देखें एसएम न्यूज। आज हम पूछना चाहेंगे लोगों से कि मोदी जी की 5 साल सरकार के बाद उनके 100 दिन और पूरे हो गए हैं, तो आपको कितना बदलाव नजर आता है? काम में जितने भी सारे बेकार हो रहे हैं, काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से तो कर रहा है। पब्लिक को तो परेशानी हो रही है, सोच समझ के कर रहे हैं। जैसे नोटबंदी कर दी थी एकदम से, किसी को मालूम नहीं था नोटबंदी का, यहाँ लाइनों में लगे बच्चे मरे भूखे भूखे, ऐसे थोड़ी होता है। इंसान को बता दिया जाए हाँ भाई ऐसे काला धन आना है, तो इसके लिए नोटबंदी कर रहे हैं, तो पहले नोट करते हैं, फिर उसके बाद में नोटबंदी करते हैं। इन्होंने बहुत गलत करा था, पब्लिक बहुत मरी है, इसकी परेशानी बहुत हुई है, सारी परेशानी हुई है, कोई अच्छे दिन नहीं आया अभी तक, बहुत सारे बुरे दिन आ रहे हैं। तो विकास की बात की थी, विकास हो रहा है, सारा गंदा पड़ा हुआ चारों तरफ, बदबू आती है निकलते समय, यहाँ से चला नहीं जाता, बच्चे बीमार पड़े हैं, गलियों का हाल देखो जाके, छोटी छोटी गलियों के अंदर इतना तक कूड़ा पड़ा हुआ है, बच्चे निकल नहीं सकते हैं, बच्चे मुँह ढक के निकल के बीमारी पड़ रहे हैं बच्चे। हमें तो विकास ही विकास नज़र आ रहा है मोदी जी का, पब्लिक परेशानी परेशान हो रही, काम छोड़ छोड़ के यहाँ सुबह से लाइन में लगे पड़े। आप क्या कहेंगे? तो इससे फायदा तो हम लोगों का ही है, बीमारी तो हम लोगों को ही होती है पोल्यूशन से। पोल्यूशन नहीं, मैंने पूछा मोदी जी के 100 दिन पूरे हो गए हैं। पोल्यूशन वाले से तो 100 दिन के हिसाब से देखा जाए तो वैसे अभी हम 100 दिन में तो ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है, आर्थिक मंदी जैसी होती जा रही है उसके हिसाब से तो देखो अभी तो गिरा हुआ है, लेकिन हाँ जो कश्मीर के हालात देखते हुए हैं लग रहा है कि हाँ 3-4 महीनों में पर ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि ज़्यादा जो फोकस है वो कश्मीर पे किया जा रहा है, उसमें तो देखो ये है कि हर देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ता है, हमारे देश में जो ये हुआ है बुरा हुआ है तो सरकार का फेलियर ही, लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं कि हाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। विकास ही विकास हो रहा है जी मैडम, यहाँ पे सारे भूखे मर रहे हैं, तो काम ही धंधे खत्म हो गए सारे यहाँ तो। रोजगार मिला क्या है, कुछ है, जनता रो रही है ना, आ गया बाहर कहाँ है, कहीं नहीं है काला धन। अरे कहते गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, ये सब गलत है। खाए अरे कहते जितना करना है वो जायज़ कीजिए, जो करने का है 100 रुपये का अगर 1,000 करो किसी को, कोई बंदा एडमिट है हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, इसके पास एक ही बाइक है वो लेके जा रहा है, तुम 10,000 का या 50,000 का चालान थमा रहे हो गाड़ी, वो तो चलाएगा या खड़ी करेगा, वो तो बुरा हाल हो रहा है उसका। रोजगार हो रहे हैं कहाँ, रोजगार हैं, रोजगार कोई नहीं है, रोजगार तो कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार तो कोई भी नहीं है, सब बारहवीं पास करके ऐसे घूम रहे हैं, सारे खुआरी काट रहे हैं, हाँ पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं है यहाँ तो। होगा हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ, वैसे वो काम सही कर रहा है, लेकिन हमारा तो कुछ ही नहीं है, मकान किराए पे हमारा ना, हमारे वो हो रहा था खातों में पैसे डालेंगे, गरीबों को कुछ भी नहीं करा उन लोगों ने तो। आप क्या कहेंगे? मोदी ने एक तो लाइसेंस और उस पर इतना चलान कर दिया है, बहुत ज़्यादा चलान कर दिया है, गरीब क्या करेंगे इसमें, ये बताइए। शेर का दिल नहीं कर रहा उन्होंने किसी के लिए, वोट भी दिया जब भी कोई सहूलियत नहीं है ना कोई पे वो है, ज़्यादा इधर से उधर धक्के खाओ, इधर से उधर कभी किराए के मकान में और ज़्यादा मट्टी खराब है। अर्थव्यवस्था के अंदर हमें अब पिछले कुछ दिनों से कमजोरी नज़र आ रही है, वो कारण कमजोरी चाहे नोटबंदी की समझ लीजिए, GST की समझ लीजिए, क्योंकि एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। जो नौकरी पेशा वाला आदमी है जिसकी तनख्वाह ही 15,000 रुपये है, वो कहाँ से भर देगा? एक बार में अगर उन्हें गलती से अगर किसी कारणवश उसका चलान हो गया वो तो पूरे महीने रोटी नहीं खा पाएगा, सबसे बड़ी कमी तो ये है। और सही इस तरीके से हुआ है क्योंकि जो आजकल के बच्चे और जो गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले उनके लिए चलान कट रहा है वो सही हुआ। विकास में ऐसी कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही है कि जो दिखाई दे रहा है, बाकी यात्राएं विदेश की बहुत सारी कर रहे हैं वो। मोदी ने विकास तो अभी तक कुछ भी नहीं करा जी। रोजगार जो है अभी तो इतनी वैकेंसी निकली है कि मैंने पिछले 10 साल में वैकेंसी नहीं दी, इतनी वैकेंसी मोदी सरकार के टाइम पे निकली है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। 100 दिन पूरे हो गए हैं, आपको क्या लगता है मोदी जी ने कितना विकास किया है? देखिए मैडम, मोदी जी ने जो विकास किया, आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरी हालत में, आज के में हम जो रोजगार 10 साल पहले करते थे उसका हम आधा इनकम कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है कितना विकास हुआ है? सही चल रहा मामला तो। अबे चुप हो जाओ,
यार भाई साहब ये ऐसे इतने ख़राब हैं, जब से मोदी आया है ना तो काम धंधा रहा बिल्कुल भी, ठीक है ना। दुनिया के जितने काम थे सारे बंद करवा दिए उसने, ठीक है जी, और दिन पे दिन काम बंद होते जा रहे हैं सारे। हिंदू मुसलमान के सबके काम ठप पड़े हुए हैं, सबकी पोजिशन ऐसी है देख लो। इसके बाद देखो मार्केट पूरी खाली पड़ी है हमारी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैडम बिल्कुल काम धंधे से पब्लिक परेशान है और हालात इतने वो हो गए हैं, स्टैम्प मारा मार हो पड़ी है। गरीब आदमी जो है रह नहीं सकता है दिल्ली के अंदर, और जो है अब देख लो ऑटो चला रहे हैं बेचारे, पूरे दिन कमाते हैं, इनके 5,000-20,000 रुपये के चलान कट रहे हैं। ये चलान नहीं होने चाहिए, पहले तो इन चलानों को सस्ता करा जाए। हमारे तो ये गरीब आदमी मारा जाएगा, अगर आपके सरकार मोदी की आ गई तो जितने भी रहने वाले हैं सबको भगा देगा मोदी यहाँ से। अच्छे दिन ऐसे आ गए कि घर में लाइट नहीं है, नई नई शादी हुई है, घर वाली छत पर चली गई, तो अच्छे दिन आ गए। और दूसरी बात ये है कि 15 तारीख से इन्होंने ये नया नियम और निकाला कि जितना भी रोड पर आदमी बैठने वाला गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा। हमें तो पिता से हमें छूट लगता नहीं है, हमें छूट दे नहीं रहा, बर्बाद चले रहा लगता है, और ये पूरी कॉलोनी भी तरता है। विकास तो आपके सामने ही है, जो भी है देख ही रहे हैं आप विकास तो। बाकी जहाँ तक मसला है ये जो चलान किया है इसको अगर तरीके से लागू करा जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर जीडीपी की हम बात करें, जीडीपी जितनी आज डाउन है पिछले 70 साल में कभी इतनी डाउन नहीं हुई है। कोई महंगाई नहीं है, कोई मंदगी नहीं है, बेहतरीन तरीका विकास की ओर खर्चा हो रहा है, इन फ्यूचर में सब सेट हो जाएगा। मैडम मैं जानना चाहता हूँ, मैं मोदी जी का 100 दिन पूरा हुआ, मोदी जी ने 3 दिन तो रुके नहीं होंगे हिंदुस्तान के अंदर, 100 दिन में 97 दिन तो घूमते रहते हैं, वो कहाँ का विकास हो रहा है फिर। महंगाई इसलिए बढ़ती जा रही है मैडम, कांग्रेस के टाइम में 12% काम हुआ करता था, रोजगार जो था आज 3% काम रह गया है, क्या है रोजगार है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि हमारे अमाउंट पूरे भर जाएं, जो खाली करे उन लोगों ने भरना चाहते हैं पब्लिक से लेकर के, ये काम है केवल बस, और कोई वजह नहीं है इसके अंदर। सन 91 से रहता हूँ, विकलांग आदमी हूँ, जो दफ्तर में मैं जाता हूँ मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए कि मेरा पिल्सिन नहीं बनती है। जो दफ्तर में जाता हूँ जीटीवी के सामने आश्रम में, तो वो कहती है कि से मेरे को 5 साल का पुरुष, मैं किराया पर रहता, मैं गरीब आदमी भीख मांगने वाला, मैं 5 साल का पुरुष कहाँ से लाऊँ, बच्चे के कैसे पालूँ, भीख मांग के बच्चे के पाल रहा हूँ। इसलिए गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा ये बताओ तुम मुझे, हम गरीब आदमी है 500 रुपये कमाते हैं, ऐसे में बच्चे कैसे पालेंगे हम, 500 में खर्चा चल रहा है, बीवी है, बच्चे हैं, सारे फैमिली है हमारी, कहाँ से लेके आएंगे। 100 रुपये का चालान है, 2000 का कर दिया है, कहाँ से लाएंगे 2000 रुपये। 200 रुपये हम कमाते हैं, 200 रुपये हम कमाते हैं तो 2000 कहाँ से लेके आएंगे, हम नहीं ले जा सकते ना, तो हम क्या अगर भीख ही मांगनी पड़ेगी हमें, और क्या करेंगे हम, धंधा करना पड़ेगा, यही तो काम करना पड़ेगा। 27 तारीख को 5000 रुपये कोर्ट में कटकूंडूमा कोर्ट में 27 तारीख को भर के आया हूँ, मेरी गाड़ी की चाबी मेरे पास, अभी आज मैंने गाड़ी नहीं चलाई है इसी चक्कर में। विकास क्या बर्बादी देखने को मिल रही है, और क्या, सब परेशान है, जनता से ले रहे सारा काला धन, ऑटो वालों से, बाइक वालों से, स्कूटी वालों से ले रहे काला धन, ये सब जो कारोबार ही नहीं तो महंगाई तो बढ़ेगी, सब परेशान है, एक एक पैसे से परेशान है हर आदमी। जी को तो मजा आ रहा है, ये हो रहा है तो मोदी जी को तो मजा आ रहा है, 85 साल की उम्र में वो ACO में मजे ले रहे हैं, हैं यहाँ पे हमारी ऐसी तैसी हो रही है, वो 70 साल विकास 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 करने में लगे पड़े, काय का विकास, कैसा विकास, गरीब का तो दिल फुका रहा है मोदी का। विकास यही है, भुखमरी आ रही है, कंगाली छाई आ रही है, परेशान हो रहे हैं रिक्शे वाले, अब जिसके घर में गाड़ियाँ हैं अब वही है गाड़ियों में रखी रखी जंग लगेंगी और क्या होगा। गरीब हम गरीब है, हम गरीबों में और गरीबी में गरीबी दिए जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है, हम पब्लिक से ही वो कुर्सी पे बैठे हैं। मैडम हमें इतना लग रहा है कि गरीब आदमी बिस रहा है, बस इतना लग रहा है, और गरीब आदमी मरता जा रहा है दिन पे दिन। हम अपना फूल बेचते हैं यहाँ, कमाते हैं खाते हैं, पर जब से नोटबंदी हुई है 2 साल हो गए, मेरा रिश्ता टूट गया है, सबसे बड़ी परेशानी है, और 2 साल से अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, क्यों, पैसा नहीं है, कारोबार ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही, रोड पे कमाई नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। इंसान चोरी करेगा उसके बाद और क्या करेगा, लास्ट ऑप्शन यही है। नहीं विकास तो हुआ है मोदी जी के राज में, बहुत शादी हुए विकास, मुझे 101% दुनिया 100% कहती है, मैं 101% कह रहा हूँ, उसमें मोदी सरकार के आने से आमूलचूल परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हो या कहीं का हो, जो कुरीतियाँ थी मतलब जिनके ऊपर आज तक जो ना हम
यानी मोदी जी ने हर चाहे वो विधान में हो, सामान में हो, किसी भी चीज़ में हो, आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। आज इतना मैम के जिस भी ऑफिस में जाते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है और पुलिस भी तमीज़ से बात करती है, पहले बदतमीज़ से बात करती थी, और पब्लिक भी शांति से अपना टाइम काट रही है। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार ने कहा था कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपको कितना लगता है कि लोगों को रोज़गार मिला है? मैम रोज़गार जो है अभी तो इतनी वैकेंसी निकली है कि मैंने पिछले 10 साल में वैकेंसी नहीं दी, इतनी वैकेंसी मोदी सरकार के टाइम पे निकली है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। चालान के ऊपर क्या कहेंगे, जो चालान पहले 100 रुपये होता था आज 1000 रुपये हो रहा है, उसमें क्या कहेंगे? मैम चालान के लिए तो हम बिल्कुल 100% श्योर हैं, खुश हैं हम कि अच्छा ट्रैफिक का पालन होगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे, जाम नहीं होगा, रोड साफ मिलेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।